हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लाइफ साइड विजिट। आपके लिए आज मैं लेके आई हूँ 3BHK का गेटेड सोसाइटी कंसेप्ट के साथ में फ्लोर वाइज G+3 का कंसेप्ट है विद लिफ्ट का, और टोटली रिजाइडिंग सोसाइटी है। जैसे आप देखोगे अभी इंटरनली मैं आपको प्रॉपर दिखा देती हूँ, 24/7 सिक्योरिटी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। टोटली रिजाइडिंग एरिया है ये, आ गया 4BHK 3+1 का। ये 1BHK किसके के टोटली फ्लैट्स हैं, और अगर बात करें हैं 2BHK तो वो भी फ्लैट्स यहाँ पे अवेलेबल है। ये वाला एरिया भी फुल्ली ऑक्यूपाइड है और ये वाला एरिया भी फुल्ली ऑक्यूपाइड है। पार्किंग का आप देख सकते हो, टोटली पार्किंग का स्पेस है। रोड की बात करो तो काफ़ी ज़्यादा चौड़े रोड है, स्पेशियस है ये भी। ये आ जाता है हमारा 3BHK जो अपना बिल्कुल न्यूली बिल्ट अप अपना फ्लोर्स बना रहे हैं। आप देख सकते हैं फ्रंट एलिवेशन इन सब फ्लैट्स का। अगर हम एंट्री की बात करें तो यहां से आ जाती है मेन एंट्री, और ये एरिया रहेगा अपना लिफ्ट का एरिया। ये आ जाता है यहाँ पे लिफ्ट का प्रोविजन। और अगर बात करते हैं मेन एंट्रेंस की तो ये आ जाती है मेन एंट्रेंस। एंट्री करते ही राइट हैंड साइड पे ड्राइंग एरिया आ जाता है, देख सकते हो काफ़ी स्पेशियस ड्राइंग एरिया आ गया। अगर टाइल्स की बात करो तो कजारिया के टाइल्स है, और फॉल सीलिंग आप देख सकते हो डबल लेयर फॉल सीलिंग प्रॉपर पूरे फ्लैट में हुई है, पूरे घर पे हुई है। एसी के प्रोविजंस पूरे घर पे है, और इस घर की सबसे खास बात है पूरे घर पे वाटरप्रूफिंग है कि सीलन की आपको पूरे घर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वेंटिलेशन की प्रॉपर विंडो दी गई है जैसे आप देख सकते हो, और ये आ जाती है फ्रंट पे बैल्कनी जैसे कि आप देख सकते हो। इस बैल्कनी की एंट्री ड्राइंग एरिया से भी है, आर्टिफिशियल ग्रास के साथ काफ़ी अच्छा इसको मेंटेन किया है, और इस ड्राइंग एरिया की एंट्री सेकंड बेडरूम से भी है। एक ड्राइंग एरिया की बात करते हैं हम, चलते अपने डाइनिंग एरिया की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हो ये आ जाता है किचन के सामने का एरिया डाइनिंग एरिया। इसको थोड़ा सा पार्टीशन में कन्वर्ट किया है, आप ये चीज़ कर सकते हैं। वैसे ये एडिशनल है, एक आइडिया है कि आप ऐसा भी कर सकते हैं। और ये आ जाता है हमारा किचन का एरिया, टोटली मॉड्यूलर किचन है। इस पर भी फॉल सीलिंग विद LED लाइट है। और ये आ जाता है किचन के साथ में बैल्कनी जिसको आप अब यूज कर सकते हो किचन गार्डनिंग के लिए। और ये पूरा का पूरा हाउस टोटली वेंटिलेटेड हाउस है, वेंटिलेशन प्रॉपर है, डायरेक्ट सन लाइट के लिए प्रोविजन सारे दिए हैं। ये था हमारा किचन ड्राइंग डाइनिंग का एरिया। इसके बाद हम चलते अपने तीनों बेडरूम की तरफ। इस तरफ राइट हैंड साइड पे फर्स्ट बेडरूम आ जाता है, देख सकते काफी स्पेशियस है, डबल बेड लगाने के बाद भी काफी स्पेस है। LCD पैनल का देख सकते हैं, LCD पैनल मिलेगा आपको, फॉल सीलिंग विद LED लाइट्स है। वार्डरोब की बात करें तो क्लोजेट है ये फुल लेंथ, और वेंटिलेशन की विंडो प्लस आपको जो बोला था कि अपना एक बैल्कनी का यहाँ से भी एक एंट्री रहती है। और इसके साथ का आ जाता है ये अटैच वॉशरूम जिसमें टोटली जगवार की फिटिंग है। अब फर्स्ट बेडरूम के बाद चलते अपने सेकंड बेडरूम की तरफ। ये आ जाता है सेकंड बेडरूम, इसको एज अ किड्स रूम डिजाइन किया है। इस पे भी फॉल सीलिंग है, वॉलपेपर्स वगैरह आप देख सकते हो काफी अट्रैक्टिव लगे हैं। ये आ जाती है वेंटिलेशन की विंडो,
और अलमीरा की बात करें तो ये रहते हैं कबर्ड्स और अलमीरा, सब देख सकते हैं। और इसके इसके साथ में आ जाता है अटैच वॉशरूम। अब इन दोनों बेडरूम के बाद हम चलते हैं मास्टर बेडरूम की तरफ। जैसा कि आप देख रहे हो, काफ़ी स्पेशियस मास्टर बेडरूम है, रूम साइज काफ़ी बड़ा है। एलसीडी पैनल आपको मिलेगा, फॉल सीलिंग की बात करो तो एलईडी लाइट्स के साथ में मिलेगी फॉल सीलिंग। और ये आ जाता है वॉक इन क्लोजेट ड्रेसिंग एरिया और अटैच वॉशरूम के साथ में। और ये आ जाती है इसके साथ की अटैच बालकनी। सो गाइज, ये था हमारा 3 BHK जो 1500 स्क्वायर फीट में है नव सिटी सोसाइटी के नाम से। जैसा कि आपने देखा, बहुत स्पेशियस है और टोटली रिजाइडिंग एरिया, सारी फैमिलीज रह रही हैं। बाकी पूरे घर पे वाटर प्रूफिंग का, जैसे मैंने आपको बताया, बाकी और भी काफ़ी चीज़ें हैं, जब आप विजिट करेंगे तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। और जैसा भी लगे आप कमेंट सेक्शन पे बताना, और आपकी जैसी भी रिक्वायरमेंट हो तो प्लीज़ आप हमें मैसेज या कॉल करके बता देना। थैंक यू सो मच।